नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गेहूं की टॉप 5 किस्मों को कब और कहां उगाया जाता है। तो भारत में लगभग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में सर्वाधिक उगाया जाता है। तो इनके लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी हैं जिनको लगाकर हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वर्ष 2022-23 में भारत में 12 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जिसको हम और भी बढ़ा सकते हैं यदि हम सही समय पर सही किस्मों का चुनाव करें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की टॉप 5 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, यानी कितने दिन में वैरायटी तैयार होती है, कितनी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, कहां कहां पर आप इन किस्मों को लगा सकते हैं, पैदावार के साथ साथ ऊंचाई कितनी होती है, खाने में टेस्ट कैसा है, टेस्ट क्वालिटी कैसी है, सफ़ेद रोटी आती है, या फिर कीमत की बात हो, कहां से खरीद सकते हैं, A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो नंबर 1 पर वैरायटी है हमने चुनी है, वो है DBW 187, जिसको हम कर्ण वंदना के नाम से भी जानते हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने वर्ष 2018-19 में सिंचित क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी को विकसित किया है, जो खाने में स्वादिष्ट एवं सफ़ेद रोटी देखने को मिलती है। और इस वैरायटी को भारत के उत्तर पूर्वी मैदानों के लिए अनुशंसित किया गया है, जिसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, लगाने का उचित समय की बात करें तो इस वैरायटी को आप 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के मध्य लगा सकते हैं। और यदि बात करें पौधे की ऊंचाई की, तो 100 सेंटीमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है, यानी कि ऊंचाई अच्छी होती है, गिरने की समस्या बहुत कम होती है। कुछ क्षेत्रों में कभी कभार गिरने की समस्या आती है, तो उसके लिए फिर आप लेहोशिन या फिर चमत्कार 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और 75 से 77 दिन की फसल होती है तो फूल आ जाते हैं, 75-80 दिन में बालियां निकल आती हैं। यह किस्म ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट के प्रति रेजिस्टेंट होती है। गेहूं में लगने वाली पीली गेरुई, काली गेरुई, भूरी गेरुई तीनों के प्रति रेजिस्टेंट होती है, सहनशील होती है यह वैरायटी। इसके बाद प्रति एकड़ बीजों की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम आपको एक एकड़ में बीजों की बुआई करनी चाहिए। और इसके बाद यदि लॉजिंग की समस्या है आपके खेत में, गिरने की समस्या है, तो जब आपकी फसल 50 से 55 दिनों के आसपास की होती है तो लेहोसिन या फिर चमत्कार इन दोनों में से किसी एक का आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे लॉजिंग की समस्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाइयों की, तो गेहूं की फसल में 6 से 7 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। और जब आपके पास पर्याप्त सिंचाई के साधन हों तब आपको इस वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, बाज़ार में इस वैरायटी का बीज आपको 40 किलोग्राम लगभग 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाता है बीज भंडार की दुकानों में। और आपके क्षेत्र में वैरायटी की कीमत क्या है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, जिससे अन्य किसान भाइयों को हेल्प हो सके। प्रति पौधे कल्ले की बात करें तो एक पौधे से 10 से 12 कल्ले आसानी से निकलते हैं। और 1000 दानों का जब हमने वजन किया तो 40 से 42 ग्राम इसका जो वजन आया, टेस्ट वेट इसका 40 से 42 ग्राम आया, पर्याप्त दानों का वजन था, जिससे हमारी जो उपज है वो बहुत शानदार देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अब इस वैरायटी का बीज आपको कहां से ख़रीदना है, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और जो नेशनल रिसर्च सेंटर बीट है करनाल में, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, अनुसंधान केंद्र से करनाल से। उसका जो नंबर है वो आपको हमने डिस्प्ले में दिया है, उस नंबर पे कॉल करके खरीद सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट में जाके आप वहां से बुकिंग कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र में, ज़िले में बीज निगम के कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहां से खरीद सकते हैं। फसल तैयार होने में कितना समय लेती है, तो 125 से 130 दिनों का समय लेती है तैयार होने में, और आसानी से तैयार हो जाती है। एक औसत समय लेती है, मध्यम अवधि की वैरायटी है। फसल का उत्पादन 25 से 26 क्विंटल प्रति एकड़ आसानी से मिल जाता है। और सही समय पे आपने खाद का जो उपयोग है वो किया है और बेसल डोज दिया है, तो आपको पर्याप्त उत्पादन मिल जाता है। दोमट भूमि बढ़िया होती है, बाकी तो
सभी मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है, पर बलुई दोमट मिट्टी में अच्छा उत्पादन देखा गया है। इसके अलावा यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियों को देखें तो वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से इसकी बालियां दिखती हैं, तो आप इस वैरायटी का चुनाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली जो वैरायटी है HI 8759, इसको हम पूसा तेजस के नाम से भी जानते हैं, और HI 8759 को ICAR इंदौर द्वारा वर्ष 2016 में पूसा तेजस को विकसित किया गया है और मालवा रीजन के लिए बेस्ट वैरायटी है। मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन है उसके लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। पूसा तेजस को HI 8759 के नाम से भी जाना जाता है। पूसा तेजस की बाली और फील्ड कुछ इस प्रकार दिखता है, क्रिकेट फील्ड की तरह इसका जो फील्ड है वो दिखता है। दाना हल्का लाल होता है, गेहूँ दिखता है, सफ़ेद नहीं होता है, और रोटी खाने में उतनी अच्छी नहीं होती है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, इसलिए बेचने के लिए किसान भाई उगाते हैं इस वैरायटी को। बेचने के पर्पज से बहुत अच्छी वैरायटी है, उत्पादन अच्छा होता है। गेहूं का जो कलर है वो गेहूँ होता है, हल्का लाल होता है, हल्का गिरने की समस्या नहीं है, और ऊंचाई 89 सेंटीमीटर के आसपास तक होती है इस वैरायटी की। लॉजिंग की समस्या इसमें बिल्कुल नहीं होती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी में यदि हम बात करें समय चक्र की, तो 130 से 135 दिन के आसपास तैयार होने में समय लगता है। पौधे की लंबाई 82 से 89 सेंटीमीटर तक होती है, और इस वैरायटी का जो सबसे अच्छा उत्पादन है वो हमारे मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो ब्लैक सॉइल है उसका जो फेवरेबल जलवायु और तापमान है वो इस वैरायटी के लिए सूटेबल होता है किसान भाइयों। इसकी बुआई का जो समय अक्टूबर अंत से मध्य नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, और एक एकड़ में बीजों की लगभग 40 से लेकर 55 किलो तक आवश्यकता पड़ती है, इतना बीज पर्याप्त होता है, इससे अधिक बुआई आपको नहीं करना चाहिए। कलनों की संख्या अच्छी निकलती है और इस वैरायटी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है इस वैरायटी के लिए। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको आप अगेती में, पिछेती में या सही समय में, तीनों समय में आप इसकी खेती कर सकते हैं, इसको बो सकते हैं। इसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, तो हमारे कई किसान भाई इसको लेट सोइंग के लिए भी यूज करते हैं, पछेती में बुआई करने के लिए इस वैरायटी का चुनाव करते हैं। यह वैरायटी नूडल्स, हलवा, दलिया, सूजी, मैदा इसके लिए बहुत अच्छी होती है, रोटी के लिए ठीक नहीं है यह वैरायटी, और एक प्रकार का कठिया गेहूं है। 1000 बीज का जब हमने वजन किया तो 50 से 60 ग्राम वजन आया इसका, तो वजनदार वैरायटी होती है, उत्पादन इसका बहुत अच्छा निकलता है, शानदार होती है, मार्केटिंग के लिए, बेचने के लिए बहुत अच्छी है। प्रति एकड़ पैदावार 28 से 30 क्विंटल तक हमें देखने को मिलती है, बहुत अच्छी पैदावार देखने को मिलती है इस वैरायटी की, और इसका जो मार्केट में भाव है, बाजार भाव है, वो पूसा तेजस का 150-200 रुपये हमें अन्य वैरायटी की तुलना में कम मिलता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो हल्का लाल रंग का होता है, कठिया गेहूं की तरह दिखता है, इसलिए इसका जो बाजार भाव है वो अन्य वैरायटी से हमें 150-200 रुपये क्विंटल कम मिलता है किसान भाइयों। बाकी उत्पादन के मुकाबले में बहुत अच्छी है, उत्पादन अच्छा है। बीज की कीमत की बात करें तो 40 किलोग्राम बीज 1500 से लेकर 2000 के आसपास आपको बाजार में बीज भंडार की दुकान में मिल जाएगा। आपके क्षेत्र में कितने का आता है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। यह वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए सबसे अच्छी है, तो हमारे किसान भाई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के जो किसान हैं इस वैरायटी को आसानी से लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो पूसा तेजस HI 8759 वैरायटी को हमारे किसान भाई लगाकर बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, उत्पादन भी अच्छा है, वजनदार होती है, अधिक पैदावार है, अधिक उत्पादन है और अधिक फुटाव भी आता है। इसके बाद हमारी जो अगली वैरायटी है वो है किसान भाइयों HD 2967। इस वैरायटी की रोटी अच्छी आती है, सफ़ेद आती है, और इसका जो बाजार भाव है वो भी हमें बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि इसके जो दाने हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, वाइट कलर के दिखते हैं, मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है यह वैरायटी। तो इस वैरायटी को आप लगाकर बाजार भाव अच्छा ले सकते हैं, और इस वैरायटी की एक और खास बात है,
की रोटी अच्छी मिलती है। अनुकूल समय की बात करें तो मध्य अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। और दाना मोटा होता है, वजनदार होता है, सफ़ेद कलर का दिखता है। और इस वैरायटी की जो बाली की लंबाई है वो 14 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है किसान भाइयों। और इसके साथ साथ इस वैरायटी की एक और ख़ास बात है कि लंबाई ज़्यादा होती है तो लॉजिंग की समस्या आती है, तो लॉजिंग को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रति एकड़ सीड्स की बात करें तो 45 किलोग्राम के आसपास एक एकड़ में सीड लग जाता है। फसल अवधि की बात करें तो आपकी फसल लगभग 135 से 140 दिन में तैयार होती है। तो ये ज़्यादा समय लेती है वैरायटी, इसलिए इसको समय पर बुवाई आपको करना चाहिए किसान भाइयों। एक एकड़ में उत्पादन की बात करें तो 25 से लेकर 28 क्विंटल तक हमें उत्पादन आसानी से मिल जाता है। लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। 40 किलोग्राम बीज 1200 से 1600 रुपये का आसानी से मिल जाएगा बाजार में। फसल की ऊंचाई 101 से 105 सेंटीमीटर तक होती है। ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण लॉजिंग की समस्या आती है, तो उसको रोकने के लिए आपको लेहोसिन या फिर चमत्कार, जब आपकी फसल लगभग 55 दिन के आसपास की हो जाती है तब आपको इन दोनों में से किसी एक को स्प्रे करना है और लॉजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वैरायटी का जो फुटाव है वो 15 से 18 कल्ले तक आते हैं एक पेड़ से किसान भाइयों, तो इसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली महत्वपूर्ण वैरायटी है श्रीराम सुपर 303 वैरायटी। इस वैरायटी की सबसे अच्छी क्वालिटी की रोटी बनती है, सफ़ेद रंग की बनती है, मार्केट में रेट बहुत अच्छा शानदार देखने को मिलता है। और ये कह सकते हैं कि किसानों की सबसे पसंदीदा वैरायटी है। भारत के लगभग सभी राज्यों में इस वैरायटी को हमारे किसान भाई उगाते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। और इसमें बीमारियों के प्रति सहनशीलता अच्छी होती है, सभी बीमारियों के प्रति ये सहनशील वैरायटी है। और इस वैरायटी में जो पौधे की हाइट है वो भी मध्यम होती है, जिससे लॉजिंग की समस्या कम आती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जो श्रीराम 303 वैरायटी है ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, सबसे शानदार वैरायटी है, इसलिए किसानों की पसंदीदा वैरायटी बनी हुई है किसान भाइयों। तो इसलिए आप श्रीराम 303 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह श्रीराम सुपर 303 मध्यम अवधि की वैरायटी होती है। प्लांट की जो ऊंचाई है वो लगभग आपकी मध्यम होती है, 90 से 95 सेंटीमीटर के आसपास पौधे की जो ऊंचाई है वो होती है, इसलिए लॉजिंग की समस्या नहीं आती। अनुकूल समय की बात करें तो अक्टूबर अंत से नवंबर के अंत तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। और इस वैरायटी में समय अवधि में यदि आपने बुआई कर दी तो 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, इतने में ये तैयार हो जाती है। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा में लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड 40 से 50 किलोग्राम की ज़रूरत पड़ती है एक एकड़ के लिए। और इसके यदि हम 1000 सीड्स का वेट की बात करें तो 40 से 50 ग्राम होता है। 40 किलो बीज की कीमत आपको बाज़ार में लगभग 2600 से 2800 रुपये के आसपास मिल जाती है किसान भाइयों। और लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए इस वैरायटी के लिए। और ये वैरायटी भारत के लगभग सभी राज्यों में उग जाती है, आसानी से उगा सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में आसानी से हो जाती है किसान भाई। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है और बाकी आप सभी मिट्टियों में उगा सकते हैं। इस वैरायटी में पीली गेरुई, भूरी गेरुई, काली गेरुई या फिर कंडुआ रोग हो, इन सभी के प्रति रेजिस्टेंट पावर होती है, यह वैरायटी रेजिस्टेंट होती है। एक एकड़ में 22 से 28 क्विंटल के आसपास उत्पादन आसानी से निकल आता है। 130 से 135 दिन में फसल तैयार हो जाती है। हमारी पांचवी और अंतिम वैरायटी है DBW 303 कर्ण वैष्णवी। इसको भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा वर्ष 2021 में विकसित किया गया था कर्ण वैष्णवी के नाम से। अब क्या होता है कि जैसे मार्च के महीने में तेज हवाएं चलने लगती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो कई बार हमारी जो नॉर्मल गेहूं की किस्में हैं वो अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाती हैं।
तो उस कंडीशन में कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन देती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो उत्पादन देने वाली वैरायटी है वो है कर्ण वैष्णवी। किसान भाइयों, तो कर्ण वैष्णवी जो तेज हवाएं हैं, टेम्परेचर अधिक हो जाता है मार्च के अप्रैल के महीने में, तो उस समय के लिए ये सबसे अच्छी वैरायटी है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। गेहूं की क्वालिटी अच्छी है, रोटी अच्छी होती है और प्रतिकूल वातावरण में आसानी से ग्रो हो जाती है। बाजार में इसकी जो डिमांड है वो भी अच्छी होती है। तो बुआई का जो अनुकूल समय है वो 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के आसपास इसका उपयुक्त समय होता है। इस समय बुआई कर देनी चाहिए और इस समय यदि बुआई करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलता है किसान भाइयों। और हम देखते हैं कि हमारी जो कई वैरायटी हैं वो अप्रैल के महीने तक जाती हैं तेज हवाओं की वजह से और गर्मी की वजह से उत्पादन उनका कम हो जाता है। तो उस कंडीशन के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है ये। और सही समय पे फर्टिलाइजर, बेसल डोज और सिंचाई यदि आपने की है तो इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो अन्य वैरायटियों के मुकाबले बहुत शानदार होता है। गेहूं की क्वालिटी जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बहुत अच्छी होती है। फसल लगभग 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ उत्पादन की यदि हम बात करें तो इस वैरायटी से बहुत अच्छा उत्पादन देखा गया है। एक एकड़ में लगभग किसान भाइयों 28 क्विंटल से लेके 32 क्विंटल तक उत्पादन हमें आसानी से मिल जाता है। अन्य वैरायटियों के मुकाबले काफ़ी अच्छा उत्पादन है। फसल की ऊंचाई की बात करें तो 95 से 100 सेंटीमीटर के आसपास ऊंचाई होती है, जिसकी वजह से इसमें लॉजिंग की समस्या नहीं होती है, फसल गिरती नहीं है किसान भाइयों, तो इसकी वजह से भी उत्पादन अच्छा मिलता है। यदि फिर भी लॉजिंग की समस्या है, फसल गिर रही है, तो 55 से 60 दिन के आसपास की जब फसल हो तब आपको लिहोसिन या चमत्कार, इन दोनों में से किसी एक को आपको स्प्रे कर देना चाहिए। इससे फसल गिरने की समस्या आपकी कंट्रोल हो जाती है। और DBW 303 जो वैरायटी है कर्ण वैष्णवी, इसकी जो फसल की बालियाँ हैं वो आपको कुछ इस प्रकार दिखती हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे। और इसमें प्रति एकड़ सीड्स की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम बीजों की ज़रूरत पड़ती है और 1000 दानों का वजन 40 से 42 ग्राम होता है। 40 किलोग्राम सीड की जो कीमत है बाज़ार में वो आपको लगभग 1600 से 2500 रुपए के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगी और आपके क्षेत्र, जलवायु और मौसम में ये वैरायटी सुटेबल भी है, अच्छा उत्पादन देने वाली है। लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और इस वैरायटी के लिए जो 12 से 15 फुटाव हैं वो होते हैं, एक पेड़ से 12 से 15 कल्ले निकलते हैं, जिससे उत्पादन ऑटोमेटिक हमारा अच्छा निकलता है, बढ़ जाता है किसान भाइयों। तो इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। और कर्ण वैष्णवी जो वैरायटी है ये खाने में बहुत शानदार है, इसका रिजल्ट बहुत टेस्टी होती है और रोटियाँ अच्छी सफ़ेद कलर की होती हैं, फूलती हैं अच्छी, जिसकी वजह से बाज़ार में इसकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आज के वीडियो में हमने आपको टॉप 5 किस्मों के बारे में बताया किसान भाइयों। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।